टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच रांची के जेएससीएस स्टेडियम में खेला जाना है। ये मैच 23 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित है। इससे पहले टीम एक एक दिन ग्राउंड पर प्रैक्टिस करती नजर आएगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दोनों टीमें आज पहुंची, जहां क्रिकेट प्रेमियों और दर्शकों का तांता लगा रहा। अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर का दीदार करने के लिए लोग उत्सुक नजर आए। कई प्लेयर ने हाथ हिलाकर अपने दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों का अभिवादन किया। दोनों टीमें होटल रेडिसन ब्लू में रुकी हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हुए। हर वर्ष की भांति हर जब भी कोई भी मैच होता है, वो वनडे इंटरनेशनल हो, T20 हो, टेस्ट मैच हो, वो JSCA हमेशा JSCA की तैयारी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि रांची के जो खेल प्रेमी जनता है वो काफ़ी उत्साह के साथ सभी मैचों में शरीक होती है। और इस बार भी टेस्ट मैच होने के बावजूद, जब आम लोगों को लगता है कि टेस्ट मैच में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, बट टिकट के सेल्स टेस्ट मैच होने के बाद भी काफ़ी अच्छे हैं। और जिस तरीके से आप मीडिया के साथी भी स्वागत करते हैं, और ये एक बड़ी बात है कि रांची की टीम जो है ना केवल अपने होस्ट टीम होने के चलते इंडियन टीम को, बल्कि इंग्लिश टीम का भी उतना ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करती है। कल से प्रैक्टिस होने की सूचना है, उसके बारे में देखिए, प्रैक्टिस का शेड्यूल अभी नहीं आया है, लेकिन प्रैक्टिस मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगा। आप लोगों को आज शाम तक इसकी सूचना मिल जाएगी। प्रैक्टिस को भी आप कवर कर सकते हैं। सर, मुख्य अतिथि कौन-कौन होंगे? देखिए, टेस्ट मैच में जनरली कोई ऐसे मुख्य अतिथि नहीं होते हैं, लेकिन जो भी डिग्नेटरी होते हैं, राज्य के जो गवर्नर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनको JSCA हमेशा हर मैच में इनवाइट करती है। जो भी यहाँ के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ऐसे लोग हमेशा मैच में शरीक होते हैं। और मुझे लगता है कि हर मैच की तरह जरूर महामहिम राज्यपाल भी और माननीय मुख्यमंत्री भी जरूर इसमें आएंगे, बट ऐसी कोई सूचना हमें कंफर्मेशन अभी नहीं है। एक फोटो धोनी का शहर है, धोनी को धोनी जो मेरी सूचना है कि धोनी अभी शहर में नहीं है। धोनी अगर यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हमारे मुझे लगता है जो अभी कल ही आपने देखा होगा कि सौरभ तिवारी जी और हमारे वरुण अरुण जी जो हमारे झारखंड के लिए उन्होंने इतने रन्स बनाए हैं, इतने विकेट्स लिए हैं, तो उन्होंने खेल से रिटायरमेंट लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर इस टेस्ट मैच का आनंद लेने के लिए आए। फोटो गैलरी एग्जीबिशन हो रहा है, पहली बार ब्रिटिश का। जी हाँ, ब्रिटिश हाई कमीशन ने एक एग्जीबिशन लगाया है, जिसमें आप मीडिया के साथी को भी आमंत्रण मिला है। और ये उन लोगों का इंटरेस्ट दिखाता है कि इस मैच को, रांची को, झारखंड को जो इम्पोर्टेंस मिलता है हमेशा की तरह, क्योंकि उनको पता है कि JSCA सब चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती है। तो ये दो दिन का जो एग्जीबिशन है, जो फोटो एग्जीबिशन में रहेगा, और जो इंडिया UK की जो मैत्री है, जो जो इतने पुराने जो संबंध हैं, उस पर भी वो फोटोग्राफी जो एग्जीबिशन होगा उसको हाईलाइट करेगा। ठीक, थैंक यू।